भाइयां बड़ी बहादुरी के साथ डट कर इन्होंने मुकाबला किया। इनका कोई शिकवा है जो ये पंजाब की लीडरशिप से करना चाह रहे हैं, सर क्या शिकवा है आपका? सर शिकवा हमारा ये है कि पंजाब में इतने पीटीआई के एमएनएस है, एमपीएस है, बाकी वर्कर है, कारकुन है, वो लोग क्यों नहीं आ रहे? किस चीज का खौफ है? ये लोग हमें मार देंगे? ये देखे कपन बांध के लेके आए साथ, सिर्फ पठानों पे क्यों ये कर रहे? इन शर वैसे हम काफी है, लेकिन यहाँ पे पहुंचो। ये अब मैं सुबह से देख रहा हूँ शेरियार अफरीदी, अली अमीन खान, अली अमीन गंडापुर हो गया, असद कैसर हो गया, सारे केपीके का सिर्फ लोग ये बड़े बड़े आ रहे हैं, इधर वाले क्यों नहीं आ रहे? इनसे हम बहुत सख्त नाराज हैं। क्या पैगाम देना चाहते हैं इन लोगों को आप? इन लोगों को हम पैगाम यही देते हैं कि इधर पहुंचो, क्या हो, ये देखो कल से रस खा रहे, खाना नहीं खाया, कोई बात नहीं है, गुजारा करेगा, लेकिन पहुंचो इधर, इधर कुर्बानी देंगे फिर ये काम होगा, वैसे नहीं होगा। खान साहब इतनी पुलिस और उसके सामने डट गए आप लोग? यार आवाम नहीं नजर आ रहा है, कितना आवाम है? ये जज्बा कहाँ से आया? ये अल्लाह की तरफ से है। और ये डटे रहेंगे आप? इंशाल्लाह डटे रहेंगे, बिल्कुल डटे रहेंगे। पिशावर के आए हैं, वण के आए हैं, वजीरिस्तान के, मैं सुलेमान खेल हूँ, बाजोड़ से आए हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। हमारे कप्तान ने कहा कि घबराने वाला नहीं है। खान साहब जान को भी खतरा हो सकता है? जान दे देंगे, शहीद हो जाएंगे, जान तो हो जाएंगे, खान की खातिर, खान की खातर भी, कौम की खातर, पाकिस्तान की खातर, इस्लाम की खातर। अगर अगर खान ने हमारे खातिर गोली खाए तो हम उसके खातिर जान नहीं दे सकते? वो हमारे लिए लगे, उसके पास क्या चीज का कमी है? उसके पास पैसा है, हर चीज इज्जत है, अल्लाह ने दी है उसको, वो बाहर भी जाके रह सकते हैं।